गुड आफ्टरनून गाइस। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी रीच्ड टिल लिथियम राइट एंड आई गेव यू होमवर्क लाइक यू नीड टू कंप्लीट टिल नियॉन। ओके होप सो यू कंप्लीटेड इट। इफ स्टिल यू हैव नॉट कंप्लीटेड देन वील रिपीट इट अगेन। ओके वील टेक फ्यू ऑफ देम। ओके रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन फिल। ओके नाउ आफ्टर लिथियम व्हाट वील डू इज वील डायरेक्टली गो टू द बोरॉन। ओके सो बोरॉन मतलब क्या है कि द एलिमेंट हुज एटम हैविंग फाइव प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। फाइव प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड फाइव इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ओके फाइव प्रोटॉन्स सॉरी फाइव इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। ओके तो फाइव उसका एटॉमिक नंबर हुआ। हम लोग प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही डिजाइन करने वाले हैं। ओके बट इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कहाँ पे ये करेंगे रखेंगे इनटू द शेल्स। ओके तो हमारे पास अभी सिलेबस में कितने शेल्स है के एल एम एन। पहले शेल का कैटेगरी पहले शेल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल का कैपेसिटी 18। बट अगर मेरा इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर 1 to 20 के अंदर है तो एम शेल में कितने 8 राइट क्योंकि हमारे पास वही था ना कि 1 to 20 अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन के नंबर्स है एटॉमिक नंबर्स तो हम लोग उनको सिंपल एलिमेंट कंसिडर करेंगे और सिंपल एलिमेंट के अंदर के में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं, एल में 8, एम में 8 राइट, एन में 8। ओके ऐसे हम लोग ने सिंपल एलिमेंट्स के बारे में बताया था राइट। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 5 है मतलब 20 के अंडर है तो यहाँ पे भी वो 288 का ही कैटेगरी ये करेगा होल्ड करेगा राइट 288 का कैपेसिटी होल्ड करेगा करेक्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन से तो पहले ऑर्बिट में हो गए 2 बिकॉज के का कैपेसिटी 2 ही है, बचे 3 तो वो 3 एल में आएंगे और एल की मैक्स कैपेसिटी 8 है तो उसमें 3 तो बैठ ही सकते हैं राइट। तो बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि हम लोग ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉन को कैसे प्लेस करते हैं। ओके हाउ वी आर प्लेसिंग इनसाइड ऑर्बिट्स तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके सो फॉर द बोरॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 3। ओके और मुझे बताओ इसका वैलेंसी क्या रहेगा तो उसका वैलेंसी विल बिकम 3 बिकॉज हमारा कैटेगरी क्या है मतलब वैलेंसी का मीनिंग क्या है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दैट विल बी माई वैलेंस। ओके नॉट अ वैलेंसी इट्स वैलेंस। ओके नाउ विल डायरेक्टली गो टू द कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अभी आपको ये पता है कि प्रोटॉन 6 रहेंगे, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6। अगर इलेक्ट्रॉन 6 है तो पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 है तो आउट ऑफ 6 2 यहाँ पे आए, बचे 4, 4 एल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि एल की मैक्स कैपेसिटी इज 8 इलेक्ट्रॉन तो 4 बैठ ही सकते हैं राइट और इसका वैलेंस हो गया 4। ओके अभी हम लोग डायरेक्टली जाते हैं फ्लोरीन के पास, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यू फिल आउट। ओके ऑलरेडी फिल्ड है बट यू कैन चेक इट। फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है मतलब इसके अंदर प्रोटॉन 9 है, इलेक्ट्रॉन भी 9 है। हम लोग प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही डालेंगे बट हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग को प्लेस करना है तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में तो पहले 2 जाएंगे, 9 में से 2 गए बचे 7, सो 7 विल प्लेस इनटू द एल ऑर्बिट मतलब सेकेंड ऑर्बिट के। सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की तो 7 तो बैठ ही सकते हैं। ओके एंड देन बाद में आएंगे हम लोग नियॉन के पास। सो नियॉन के एटॉमिक नंबर है 10। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 10 है, प्रोटॉन इसके पास 10 है, इलेक्ट्रॉन हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 एंड लास्ट में कितना आएगा 8। अभी नियॉन के बाद जितने भी देखो यहाँ पे नियॉन का जो सेकेंड ऑर्बिट है ये अभी फुल्ड है बिकॉज एल की कैपेसिटी कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स और नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पूरी तरीके से बैठ गए हैं राइट। अभी जिसका भी एटॉमिक नंबर 10 के बाद अगर 11 है तो 11 का एटॉमिक नंबर होने वाला जो सोडियम है राइट, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 तो सोडियम के पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो इफ़ आई वॉन्ट टू प्लेस द 11 इलेक्ट्रॉन इन टू द स्पेसिफिक ऑर्बिट्स तो पहले तो आपको पता है कि पहले ऑर्बिट में 2 आएंगे, सेकेंड ऑर्बिट इट विल बी 8 तो 11 में से 2 गए यहाँ पे बिठाए तो 9 बच गए राइट, 9 आर देयर।
नाइन में से मैंने एट कहाँ पे प्लेस की है, यहाँ पे। अभी एल की कैपेसिटी तो पूरी भर गई, एल का जो मैक्स कैपेसिटी था, क्योंकि एल 8 ही इलेक्ट्रॉन बिठा सकता है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी बैठ गए, एंड अभी बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे जो वैलेंस रहेगा आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे एम वाला है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, दैट्स व्हाई इसका वैलेंस आएगा 1। तो मैं ऊपर के भी वैलेंस भरता हूँ, 5, 6, 7, सभी आउटर मोस्ट वाले भरूंगा मैं, ठीक है, 8, और यहाँ पे आ गया वैलेंस 1। तो अभी सिलिकॉन का देखते हैं डायरेक्ट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आप स्टार्ट करो। ओके, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 14, इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो बचे 12, 12 में से 8 यहाँ पे बिठाए, तो बचे 4, 4 यहाँ पे आएंगे, 4 यहाँ पे, ये लास्ट ऑर्बिट है। ओके, तो सिलिकॉन के भी कितने ऑर्बिट्स रहेंगे, के एल एंड एम, एन वाला ऑर्बिट सिलिकॉन को नहीं रहेगा। तो ये जो एम वाला ऑर्बिट है ऊपर का, ये एम वाला ऑर्बिट सिलिकॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ये 4। ओके, नीचे हम लोग आते हैं। ओके, हम लोग डायरेक्टली जाते हैं क्लोरीन के पास, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर है 17। ओके, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे में 7। ओके, तो इसका आ गया ये बैलेंस 7। ओके, ये आप लोग फिल आउट कर देना, ठीक है। कैल्शियम का भी हम लोग देखते हैं, कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 है। ओके, ओ सॉरी, पहले हम लोग आर्गॉन ले लेते हैं ताकि आपको इजी पड़े। ओके, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, राइट। 18 है मतलब प्रोटॉन उसके पास 18 है, इलेक्ट्रॉन उसके पास 18 है, प्रोटॉन को हम लोग को केयर ही नहीं, बिकॉज वो तो न्यूक्लियस में हम लोग कैसे भी बिठा सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज बिठाना पड़ता है। तो पहले ऑर्बिट में हो गया 2 आउट ऑफ 18, तो बच गए 16, दूसरे ऑर्बिट में बैठेंगे 8, बिकॉज दूसरे ऑर्बिट का मैक्स कैपेसिटी, ब्रिंज का कैपेसिटी 8 ही लोगों का बिठाने का है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठ गए 8। अभी 16 में से 8 यहाँ पे बैठ गए, राइट, बचे कितने, तो 8, तो 8 यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट, यह वाले ऑर्बिट में बैठेंगे। सिंस आर्गॉन इज अ सिंपल एलिमेंट, मतलब सिंपल एलिमेंट की कैटेगरी में हम लोग उसको बोलते हैं, राइट, दैट्स व्हाई यहाँ पे वो मैक्स कैपेसिटी फुलफिल करेगा। यहाँ पे 18 वाला कैटेगरी में, मतलब 18 वाला क्राइटेरिया यहाँ पे फिलअप नहीं होगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे 288, मतलब यहाँ पे बेंच का कैपेसिटी फुलफिल हो गया। ओके, बिकॉज ये 18 नंबर 20 के अंदर आता है, राइट। ओके, अभी हम लोग जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे जो बैलेंस है वो 8 हो गया। अभी कैल्शियम का हम लोग देखते हैं, पोटेशियम का आप क्लेवर इनफ हो, आप सॉल्व कर दोगे। ओके, 20 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 20, 20 में से 2 यहाँ पे आ गए, कैपेसिटी फुल हो गया पहले ऑर्बिट का, बाद में 18 बच गए थे, तो 18 में से 8 यहाँ पे डाल दिए। अभी 18 में से 8 गए तो 10 बच गए, 10 बच गए, उसके बाद 10 बचे थे, तो आउट ऑफ 10 वी हैव प्लेस्ड 8 ओवर हियर। ओके, तीसरा ऑर्बिट भी भर गया, और देन यहाँ पे लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव प्लेस्ड इन टू द एन ऑर्बिट, सॉरी nth शेल। ओके, तो यहाँ पे वो चौथा ऑर्बिट यूज हुआ है कैल्शियम के लिए, तो इसका वैलेंस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 2, यहाँ पे 2। ओके, तो यहाँ पे मैं रिमेनिंग थिंग्स भी भर देता हूँ। ओके, सो इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस। ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे पूरे के पूरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने देखते हैं वो प्लेस करते हैं। ओके, एंड सो ऑन विल हैव टू फिल अप दिस रो। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज दीज एलिमेंट्स फॉल्स अंडर ट्रांजिशन कैटेगरी, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे आपको आप देखोगे यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये मैगनीज का पहला 2, 8, 13 एंड 2 है। एक्चुअली क्या होता है,
जो इन ट्रांजिशन मेटल्स है ये एक्चुअली मैंने आपको बोला था 20 के ऊपर के सिंपल है, ओके। ये जो यहाँ पे दिखाई गए हैं ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन एलिमेंट की दो लास्ट वाली ऑर्बिट इनकम्प्लीट रहती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स की, देखो आर्गोन के सभी ऑर्बिट भरे हुए हैं, राइट। यहाँ पे मैक्स ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 थी तो 2 भरा हुआ है, ये ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 थी तो 8 भरी हुई है, ये ऑर्बिट की कैपेसिटी भी 8 थी तो 8 भरी हुई है। मतलब यहाँ पे आर्गोन पूरी तरीके से भरा है, ओके। अगर आप थोड़े ऊपर जाओ तो नियॉन के पास जितने भी ऑर्बिट्स है, मतलब नियॉन के पास कितने ऑर्बिट्स है तो देखा जाए तो 2 ही ऑर्बिट है, ये के वाला और ये एल वाला, और दोनों भी भरे हुए हैं। तो ये भी भरा हुआ था। और अभी हेलियम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से उसके पास एक ही ऑर्बिट है और एक की एक ऑर्बिट पूरी तरीके से भरी हुई है, राइट। तो मुझे कहना खाली इतना ही है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज, बट हेलियम के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन प्लेस करने के बाद जितने भी ऑर्बिट्स थे वो ऑर्बिट्स भर चुके हैं, राइट। मतलब अगर उसने एक ऑर्बिट यूज़ किया तो एक भरा हुआ है। नियॉन के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स थे कि वो ऑर्बिट्स में प्लेस करने के बाद जितने भी ऑर्बिट्स उसने ऑक्यूपाइड किए वो सभी के सभी भर गए। मतलब उसने दो इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, दो ऑर्बिट्स अगर ऑक्यूपाई किए हैं तो दोनों के दोनों भर गए हैं। सेम वे आर्गोन का भी, आर्गोन के पास 18 थे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स उसने ऑर्बिट्स में भरना स्टार्ट किया, भरने के बाद उसने तीन ही ऑर्बिट्स लिया और तीनों के तीनों पूरे भर दिए। तो ये था हेलियम और नियॉन और आर्गोन का सिमिलरिटी, कि वो जितने भी शेल्स ले वो शेल्स पूरे के पूरे भर देते हैं। दैट्स वाई ये लोग इनर्ट गैस के कैटेगरी में आते हैं, ओके। क्योंकि इनर्ट गैस क्या रहता है, इनर्ट गैस के सभी ऑर्बिट्स भरे हुए रहते हैं, ओके। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो क्लोरीन, सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन के पास लास्ट ऑर्बिट भरी हुई नहीं है। लास्ट ऑर्बिट मतलब ये एम वाली ऑर्बिट कि मैक्स कैपेसिटी क्या है 8, बट यहाँ पे कितना है 7, मतलब एक की जगह अभी तक खाली है। यहाँ पे भी आप देखिए फॉस्फरस का लास्ट ऑर्बिट में, मतलब एम ऑर्बिट में 5 ही है, मतलब 3 की जगह और अभी भी खाली है। यहाँ पे भी देखो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब अभी भी 6 की जगह बाकी है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो ऑर्बिट यहाँ पे नहीं आती है फॉर दीज एलिमेंट्स, बट ये एलिमेंट के लिए ये वाली ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, राइट। तो ये वाली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भरी नहीं है बिकॉज एल की कैपेसिटी 8 की है। तो यहाँ पे 8 में से एक ही जगह भरी हुई है, मतलब 7 जगह खाली है। यहाँ पे 2 जगह भरी हुई है, मतलब 6 जगह खाली है। यहाँ पे 3 भरे हुए हैं, मतलब 5 जगह खाली है। सो ऑन, मतलब ये जो ऑर्बिट है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सॉरी, ये एलिमेंट्स के लिए ये भरे नहीं है। दैट्स वाई ये इनर्ट गैस के कैटेगरी में नहीं आएंगे, ओके। और वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू कि जिनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 एंड 3, जिनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 एंड 3, यहाँ पे भी जिनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 एंड 3, ओके, जिनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3, तो यहाँ पे तो सभी के सभी हो गए, इनके इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 ही है। तो जिनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो सभी के सभी क्या रहते हैं, मेटल, ओके। तो ये सभी के सभी मेटल्स हो गए। सभी के सभी मेटल्स हो गए क्यों, क्योंकि ऐसे एटॉम्स, मतलब ये ऐसे एटॉम्स है, ये ऐसे सॉरी ये ऐसे एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स का जो कोई भी एटॉम, सॉरी, यहाँ से ये ऐसे एटॉम्स, ये ऐसे एलिमेंट्स है जो एलिमेंट्स के एटॉम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक शेल में से जो आउटर शेल है उसमें 1, 2 और 3 के कैटेगरी, मतलब 1, 2 और 3 के नंबर में ही इलेक्ट्रॉन्स है, इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये वाला है, राइट।
देखो ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, तो एन वाले ऑर्बिट इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ये एलिमेंट्स की, राइट। तो ये एलिमेंट सभी के सभी कौन है, मेटल्स है। ऊपर भी मेरा भरना बाकी, आई नो है, यहाँ पे 1 2 3 है तो वो मेटल्स है, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 है तो ये मेटल है, मेटल है। खाली यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो बोरॉन है ना, ये बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तीन होते हुए भी बोरॉन मेटलॉइड है। ओके, कुछ कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, राइट। ओके, जो आपको पता है कि एक ना एक चीज़ तो एक्सेप्शन रहता ही हमारे में। ओके, कोई भी परफेक्ट नहीं रहता है, तो एलिमेंट्स में भी कुछ कुछ एलिमेंट्स पूरी तरीके से रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, बट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 है, 99% वो कौन है, मेटल्स ही है। ओके ओके, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे भी लिखा है, राइट। सो दीज ऑल आर द मेटल्स। ओके, यहाँ पे भी 1 2 1 1 1 2 वगैरह है ना, तो ये भी मेटल्स ही है, तो ध्यान में रखना। ओके, जिनके और एक जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, फाइव सिक्स एंड सेवन है। ओके, लेट मी गिव देम अ डिफरेंट कलर, इट्स नॉट मैचिंग। ये वाला देखो, हाँ तो ये वाला रखते हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 है। ओके, ये स्टिल कलर मैच नहीं हो रहा है, ये वाला रखते हैं। ओके, तो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 है, ओके, तो ये 5 6 7 यहाँ पे भी देखो, एम वाला कैटेगरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वहाँ पे ना ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा लाइट करता हूँ, बिकॉज ये वैलेंस से रिलेटेड है। ओके, अब उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, या बाद में सॉल्व करो। ओके, रफ मैंने थोड़ा सा उसको लाइट कलर दे दिया है, अभी आपको थोड़े अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 है, यार ये हम लोग 5 6 7 कर देते हैं, कलर का कॉम्बिनेशन मैं इसको ग्रीन करूँ क्या, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पे विल गो विद ग्रीन। ओके, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, वी कॉल देम एज अ नॉन मेटल्स। ओके, सो ये नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, अगेन ओवर हियर वी विल गो एंड विल मार्क इट एज अ नॉन मेटल्स। जिनके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 6 7 है, तो वो सभी के सभी कौन है, नॉन मेटल्स। ओके, अभी देखो, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है, ओके, अभी ये 4 की जो कैटेगरी है, दीज आर द मेटलॉइड। ओके, मतलब जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 4 है, तो यहाँ पे सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन मेटलॉइड है, क्योंकि तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सिलिकॉन में मेटलॉइड है, और एक्चुअली कार्बन मेटलॉइड होना चाहिए था, बट कार्बन इज नॉट अ मेटलॉइड, इट इज़ नॉन मेटल, बिकॉज कुछ तो एक्सेप्शंस रहते ही है। हम लोग जहाँ पे भी एक्सेप्शंस है ना, वहाँ पे एक्सेप्शंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, और एक, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो मेटल्स रहते हैं, राइट। बट हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये नॉन मेटल है, तो ये भाई साहब भी कौन है, एक्सेप्शन। ये नॉन मेटल क्यों है, बिकॉज ये भाई साहब गैसीय स्टेट में रहते हैं, और आपको पता है कि जो कोई भी मेटल्स है वो हम लोग को सॉलिड में ही मिलते हैं,
ठीक है, तो जो एक्सेप्शन है मैंने उनको येल्लो मार्क किया है, ओके, और बाकी के हम लोग ने ऑलरेडी भर दिए हैं। तो लेट मी रिपीट अगेन, आप उसका नोट भी करके रख दो कि जो कोई भी एलिमेंट है वो एलिमेंट का एटॉम इफ इट इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वी कॉल देम एज अ मेटल। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि एलिमेंट्स इन विच द एटॉम्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज फिल्ड विथ 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो वी कॉल देम एज अ नॉन मेटल। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या फिर आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर द नॉन मेटल। जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये एलिमेंट्स इन हुज आउटर मोस्ट ऑर्बिट देर आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर कॉल्ड एज अ मेटलॉइड्स। ओके, एंड द एलिमेंट्स हुज एटॉम्स ऑर्बिट्स, ओके, और हुज एटॉम्स शेल आर कंप्लीटली फिल्ड, मतलब उनके सभी के सभी ऑर्बिट, जितने भी ऑर्बिट्स रहेंगे, अगर उसके पास एक ऑर्बिट है तो ऑर्बिट पूरी तरीके से फिल होनी चाहिए। अगर वो भाई साहब के पास, वो एलिमेंट के एटम के पास दो ऑर्बिट्स है, दोनों के दोनों ऑर्बिट्स फुलफिल्ड है, अगर उसके पास तीन ऑर्बिट्स है, तीनों के तीनों ऑर्बिट्स फुलफिल्ड है, तो वो भाई साहब को हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट गैस हम लोग उनको बोलते हैं। ओके, होप सो ये आपको टेबल प्रॉपरली पता चला है। ओके, इसमें और एक चीज़ बाकी है, दैट इज वैलेंसी। ओके, तो हम लोग वैलेंसी भी कवर कर लेते हैं, सो दैट ये पूरा और पूरा टेबल हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो थियोरी है वैलेंसी का। ओके, तो वैलेंसी मतलब क्या रहता है? तो वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ एटॉम, ओके, इलेक्ट्रॉन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटॉम। ओके, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटॉम। अभी ये दिखने के लिए और थोड़ा सा जम्बलिंग लगता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है। ओके, तो ये वैलेंसी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन 9th स्टैंडर्ड, इफ यू फॉरगेट विल कवर इट अगेन। सो वैलेंसी मतलब क्या होता है? वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गिवन और टेकन बाय एटॉम्स इन अ केमिकल रिएक्शन, सॉरी, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फॉर कंप्लीटिंग इट्स आउटर मोस्ट शेल। ओके, सो वैलेंसी क्या रहता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर गिवन और टेकन बाय एटॉम्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फॉर कंप्लीटिंग इट्स आउटर मोस्ट शेल। देखो, सभी इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, सभी एटॉम जो कोई भी है, हर कोई एटॉम खुद को स्टेबल करने की ये रहता है, स्टेबल करने के कंपटीशन में रहता है। स्टेबल मतलब क्या रहता है? जैसे हम लोग रहते हैं, ओके, व्हाट इज आवर नीड, हम लोगों क्या, हम लोग व्हाई वी आर स्टडिंग, व्हाई वी आर लिविंग ओवर हियर इन द वर्ल्ड ऑफ अर्थ, जस्ट टू बिकम सक्सेसफुल, हम लोगों को क्या चाहिए जिंदगी में? वी नीड पैसा चाहिए, वो पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, देन हम लोगों को क्या चाहिए? फ्लैट्स चाहिए या फिर खुद खुद का बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। जब ये ज़िंदगी हम लोग को मिलेगी तब हम लोग स्टेबल हो जाएंगे। ओके, जब तक ये ज़िंदगी नहीं मिलती तब तक हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल करते हैं मतलब क्या करते हैं? हम लोग वो
स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वी आर ट्राइंग बेस्ट, वी डू लॉट्स ऑफ स्टडी, वी डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, ओके। हम लोग बहुत सारा काम करते हैं जिससे हम लोग को पैसा आए और पैसे से हम लोग ये सारी चीज़ें खरीद सके, करेक्ट। एंड आई विल बिकम अ स्टेबल आफ्टर सम डेज और आफ्टर सम टाइम, ओके। तो ये हम लोग का काम है, राइट। तो हम लोग का जो स्टेबिलिटी रहती है, तो हम लोग किसको कंपेयर करते हैं स्टेबिलिटी में? जो अमीर है, जिसके पास सभी चीज़ें, हम लोग उसको कंपेयर करते हैं, राइट। सेम वे यहाँ पे हर एक एटॉम इसको कंपेयर करता है इनर गैस को, मतलब एटॉम्स, ये जो एलिमेंट्स हैं ना सभी के सभी, 118 के 118, वो 118 के 118 के एलिमेंट्स क्या करते हैं, उसके नज़दीक में जो कोई भी अमीर इनर गैस है ना, उसको देखते हैं। अभी हम लोग भी, अगर हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में जो सबसे बड़ा अमीर रहता है, हम लोग उसको देख के क्या करते हैं, अरे यार इसके पास पैसा है तो मुझे भी उसके तरह से स्टेबिलिटी चाहिए, ओके। उसके तरीके से मुझे जीना है, ओके। हम लोग किसी को अगर स्टडी में बहुत ज़्यादा मानते हैं कि यस मुझे APJ अब्दुल कलाम जी जैसा बनना है, ओके। किसी को अगर मैनेजमेंट का चाहिए तो हम लोग बोलते हैं अरे मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, 1% भी अगर मैनेजमेंट आए तो मैं बहुत आगे जा सकूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जिससे रिलेट करते हैं उससे उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। सेम वे हाइड्रोजन के नज़दीकी वाला जो राजा है, हाइड्रोजन के नज़दीकी वाला जो अमीर आदमी है, दैट इज हेलियम, ओके। लिथियम के बाद आजू बाजू का अमीर आदमी जो है, दैट इज हेलियम। सेम वे ऑक्सीजन के नज़दीक में कौन है? हेलियम नहीं है, नियॉन है। फ्लोरिन के नज़दीक कौन है अमीर आदमी? नियॉन है। तो ये जो लोग हैं ना, ये वाले, मतलब दीज आर द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स क्या है? ये स्ट्रगलर्स हैं, ये कोशिश करने वाले लोग हैं, मतलब ये अनस्टेबल रहते हैं। स्टेबल वाले कौन है? जिनके सभी के सभी ऑर्बिट भरे हुए हैं, तो ये अमीर लोग हैं, ये नियॉन, ये हेलियम, आर्गॉन। तो ये नियॉन, हेलियम, आर्गॉन, दीज आर द रिचेस्ट पर्सन, और रिचेस्ट पर्सन के आजू बाजू जो लोग रहते हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं, खुद को अमीर बनाने की या फिर खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो हर एक एलिमेंट उसके बाजू वाला ही ट्राई करता है, मतलब उसके बाजू वाले जैसे बनने का, मतलब उसके आजू बाजू में, उसके सोसाइटी में जो अमीर आदमी रहेगा उसका, या फिर जो अमीर आदमी का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर है, उनके जैसा बनने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखो, बेरिलियम हेलियम जैसा बनने का ट्राई करेगा, बोरॉन हेलियम जैसा बनने का ट्राई करेगा, नाइट्रोजन नियॉन जैसे बनने का ट्राई करेगा, ऑक्सीजन नियॉन जैसे बनने का ट्राई करेगा, कार्बन किसके जैसे बनने का ट्राई करेगा। देखो, कार्बन से हेलियम 3 स्टेप की दूरी पर है, और कार्बन से नियॉन भी 3 स्टेप की दूरी पर है। तो कार्बन हेलियम जैसा भी बन सकता है, नियॉन जैसा भी बन सकता है, बट उसके लिए वो स्ट्रगल तो करेगा ही करेगा। सो दैट्स व्हाई अभी इनका स्ट्रगल क्या रहता है, टू कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल, ओके। इनका क्या है, जैसे हम लोग को मनी चाहिए, इन लोगों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्यों इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? खुद की जगह भरने के लिए। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके, जो इनकम्प्लीट है, वो इनकम्प्लीट ऑर्बिट भरने के लिए। जैसे हम लोग को अपना बैंक अकाउंट भरना है पैसे से, वैसे इनको अपना ऑर्बिट्स भरना है इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल है, ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग में एक कैटेगरी है कि बाबा हम लोग को अगर बैंक बैलेंस भरना है तो हम लोग को पैसा डालना ही डालना ही डालना ही है, ओके। देर इज़ नो अदर वे। बट इनके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो ये ऑर्बिट भर सकते हैं, या तो जो ऑर्बिट भरी हुई है उसको खाली कर सकते हैं। मतलब देखो, कार्बन के पास, सॉरी कार्बन का नहीं लेते हम लोग, हम लोग है ना लिथियम के लेते हैं। तो लिथियम क्या करेगा, लिथियम के पास ये वाली ऑर्बिट तो भरी हुई है, राइट, और ये वाली ऑर्बिट उसकी इनकम्प्लीट है। तो भाई साहब क्या करेंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे से लेना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। और लिथियम का ये वाला ऑर्बिट तो कंप्लीट है, मतलब ये बन गया राजा, और कैसे बन गया, तो हेलियम जैसा बन गया, राइट। मतलब लिथियम ये कैटेगरी में क्या करता है, लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, लूज किया, ओके, गॉट इट, ओके। मैं यहाँ पे खाली ये यहाँ पे है करके रख देता हूँ। तो लिथियम ये कैटेगरी में क्या करता है, खुद का 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। लूज करने के बाद भाई साहब के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब लिथियम बन गया राजा, ओके। तो स्टेबल बन गया,
बट ऑक्सीजन के कैटेगरी में क्या होता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 है, ओके। और भाई साहब को क्या चाहिए, 8 बनाने के लिए, देखो लिथियम, सॉरी लिथियम नहीं, ऑर्बिट एल। तो ऑर्बिट एल की कैपेसिटी क्या है, 8। ऑक्सीजन के पास कितना है, 6। तो भाई साहब को 6 से 8 बनाने के लिए खाली 2 की ही ज़रूरत है। तो वो 2 क्या करेगा, किसी बाजू वाले से ले लेगा। बाजू वाले से मतलब बाई एनी केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगा, और केमिकल रिएक्शन में से वो क्या करेगा, खुद में 2+ करेगा। अगर खुद में 2+ करेगा तो 6+2 कितना हो गया, 8। तो भाई साहब के पास बन गए 8। 8 बन गए मतलब वो किसके जैसा हो गया, 2.8 मतलब नियॉन जैसा हो गया। मतलब यहाँ पे वो क्या करता है, ऐड 2, क्या करता है, ऐड 2। तो ऐड 2, तो मुझे आपको ऊपर वैलेंसी में वही बताना था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर गिवन, गिवन मतलब क्या, लॉस। तो यहाँ पे भाई साहब, एक भाई साहब ने क्या किया, लिथियम भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया बाय गिवन, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, गिवन और टेकन बाय एटॉम्स। यहाँ पे और डाला था मैंने, और मतलब क्या, कोई दूसरा एलिमेंट ले भी सकता है। तो ये भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पे ले लिया, ओके। टेकिंग मतलब ऐड किया, मतलब जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दिए जाते हैं फॉर कंप्लीटिंग इट्स आउटर शेल, फॉर कंप्लीटिंग इट्स आउटर शेल, ओके। वैलेंसी मतलब क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिए जाते हैं फॉर कंप्लीटिंग इट्स आउटर मोस्ट शेल, या फिर वैलेंसी क्या रहता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिए जाते मतलब टेकन फॉर व्हाट पर्पस, फॉर कंप्लीटिंग आउटर मोशन। तो मुझे यही बताना था कि ये प्रोसेस में लिथियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, गिव किया, तो उसका ये शेल बन गया कंप्लीट शेल, के वाला, और एल निकल गया। और ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, ऑक्सीजन ने 6 छोड़े नहीं, 6 उसके पास ज़्यादा है इसलिए उसने 2 ऐड किया। अभी ये इसने ऐड क्यों नहीं किया, बिकॉज 7 इज द लार्ज नंबर टू टेक, ओके। 7 हम लोग नहीं ले सकते, इसलिए उसने क्या किया, 1 को छोड़ दिया। और यहाँ पे 6 है, 6 है तो उसके पास उसको खाली 2 ही लेने हैं, 2 इज द लेस नंबर, दैट्स व्हाई इसने यहाँ पे 2 ऐड किया। अभी लेने का और देने का भी कैटेगरी कैसा रहता है, मतलब हाउ टू डिसाइड वेदर टू लूज और वेदर टू ऐड। तो एक ही ध्यान में रखना, आउट ये शेल का कैपेसिटी क्या है, 8 का, तो 8 का डिवाइड करो कितना होता है, 4, ओके। 8 का डिवाइड करो कितना होगा, 4। तो अगर 4 से कोई भी नंबर कम है, मतलब मेरे आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 से नंबर कम है, मतलब 1 है, 2 है और 3 है, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये नंबर 4 से कम है, तो ये ऑलवेज लूज ही करेंगे। मतलब यहाँ पे बेरिलियम भी क्या करेगा, लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2, क्योंकि तो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 है। ये भाई साहब क्या करेगा, लूज ही करेगा, क्या करेगा, लूज, कितने, 3। तो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 है, मतलब नंबर 4 से कम है, ओके, तो वो क्या करेंगे, लूज करेंगे। जिनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 5, 6, 7, 5, 6, 7 मतलब क्या, 4 से नंबर ज़्यादा है, तो वो क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। और ऐड कितना करेंगे, जिनकी जिसकी उनको ज़रूरत है। अगर 5 है मेरे पास, तो मुझे 5 को 8 बनाना है, बिकॉज 8 इज माई मैक्स कैपेसिटी, राइट। और मैक्स कैपेसिटी फुलफिल करने के बाद मेरा ऑर्बिट फुल हो गया, तो इसको ऑर्बिट फुल करने के लिए कितने की ज़रूरत है, 3। तो 3, बिकॉज यहाँ पे +3 करेगा ना, वो +3 करेगा तो 5 बन जाएगा, सॉरी 8 बन जाएगा, राइट। तो ये ऐड करेगा, यहाँ पे वो कितना ऐड करेगा, 2, यहाँ पे कितना ऐड करेगा, 1, क्योंकि 7 है तो 1 ऐड करेगा, क्लियर। तो इतना ही ध्यान में रखने का है हम लोग को कि सभी इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रगलर्स हैं वो क्या करते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फॉर व्हाट पर्पज, फॉर
टू कंप्लीट द ऑर्बिट। अभी आप बोलोगे सर इसका क्या होगा, तो ये क्या कर सकता है, ये लूज भी करेगा या फिर ऐड भी करेगा, इसके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो कितने करेगा, चार, बिकॉज इसके भाई साहब के पास चार है, आठ बनाने के लिए उसको चार वो लूज भी करेगा। अगर चार लूज करेगा तो बन जाएगा हेलियम जैसा, राइट, बिकॉज ये दो हो गया, राइट, दो किसके किससे मैच करते हैं, हेलियम से। तो अगर भाई साहब के पास ये तो चार उसके पास है, राइट, तो अगर ये और चार ऐड करेगा तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, एट, तो कार्बन बन गया नियॉन जैसा, 2.8, 2.8, क्लियर। तो ये भाई साहब के पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसी तरीके से ये पूरा टेबल हम लोग को वैलेंसी से भरना है। तो वैलेंसी क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर गिवन और टेकन इन अ केमिकल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टू कंप्लीट द ऑर्बिट। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये जो केमिकल रिएक्शन है वो किन में होता है। केमिकल रिएक्शन ये मोस्ट रेयरली नॉन मेटल एंड मेटल के साथ ही होता है। ओके, और केमिकल रिएक्शन में वो आयोनिक बॉन्ड से भी होता है और कोवैलेंट बॉन्ड से भी होता है। मोस्ट प्रोबेबली आयोनिक बॉन्ड में नॉन मेटल एंड मेटल की रिएक्शन होती है, और यहाँ पे हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के रिएक्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये आयोनिक बॉन्ड बना के ही इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली किस में होता है, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स में, और उससे बनते हैं कंपाउंड्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हेलियम, हेलियम की वैलेंसी होगी जीरो। क्यों? क्योंकि हेलियम ना तो देगा ना तो लेगा, क्योंकि उसका ऑर्बिट कंप्लीट है, दैट्स व्हाई उसका वैलेंसी बन गया जीरो। ओके, यहाँ पे नियॉन का भी वैलेंसी बन गया जीरो, बिकॉज वो ना तो देगा ना तो लेगा, बिकॉज उसका ऑर्बिट कंप्लीट है। सोडियम भाई साहब का क्या होगा, सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ एल करता हूँ, L1। ओके, L1 मतलब इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वन है। तो ये इतना ध्यान में रखना है, जिसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 है वो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेंगे। तो जितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतने सभी लूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, ये लूज भी कर सकते हैं, ये ऐड भी कर सकते हैं, 4, ठीक है। फॉस्फरस, फॉस्फरस क्या करेगा, ऐड ही करेगा, ऐड, सॉरी, ऐड 3 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 है, तो ये क्या करेंगे, ऐड, सॉरी, 2, ऐड 1, क्लियर। आर्गॉन भाई साहब के तीनों ऑर्बिट भरे हुए हैं, तो इनका बैलेंस बन गया जीरो। पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम लूज करेगा 1, यहाँ पे ये भाई साहब कैल्शियम भी लूज करेंगे 2, करेक्ट। मैंगनीज अगेन इट विल लूज 2, बिकॉज 7 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। और आप ही बताओ इनका क्या होगा, लूज करेंगे 2, लूज करेंगे 2, लूज करेंगे 2, लूज करेंगे 1, क्लियर। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट। तो वैलेंसी क्या रहता है, यहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन का भी देखना रहेगा। हाइड्रोजन में क्या होगा, इसका वैलेंसी 1 ही रहेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है, उसका रिक्वायरमेंट भी 1 है, राइट। यहाँ पे भी भाई साहब दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन शेयरिंग में विश्वास करता है।